प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 14 फरवरी 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 2 और 45 से 46 तक से लिया गया है। प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा, यदि किसी मनुष्य के चमड़े पर सूजन, पपड़ी या फूल दिखाई पड़े और चमड़े में चर्म रोग हो जाने का डर हो, तो वह मनुष्य याजक हारून अथवा उसके पुत्रों में किसी के पास लाया जाए, तो वह व्यक्ति रोगी और अशुद्ध है। याजक उसे अशुद्ध घोषित करे, क्योंकि यह उसके सिर पर चर्म रोग है। चर्म रोगी फटे कपड़े पहन ले, उसके बाल बिखरे हुए हों, वह अपना मुंह ढक कर अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता रहे। वह तब तक अशुद्ध होगा जब तक उसका रोग दूर ना हो। वह अलग रहेगा और शिविर के बाहर निवास करेगा। यह प्रभु की वाणी है। और आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 31 से लेकर अध्याय 11 के पद संख्या 1 तक से लिया गया है। इसलिए आप लोग चाहे खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। आप किसी के लिए पाप का कारण ना बने, ना यहूदियों के लिए, ना यूनानियों और ना ईश्वर की कलीसिया के लिए। मैं भी अपने हित का नहीं, बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखकर सब बातों में सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे वे मुक्ति प्राप्त कर सकें। आप लोग मेरा अनुसरण करें, जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। स्त्रियां प्रचलित प्रथा के अनुसार धर्म सभा में अपना सिर ढकें। यह प्रभु की वाणी है। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 1 पद संख्याएं 40 से 45 तक से लिया गया है। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो गया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपनी शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहाँ से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया, इसलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मसीह विश्वासियों, बाइबल के पहले 5 ग्रंथों में से लेवी ग्रंथ हम मसीही विश्वासियों के लिए ज़्यादा रुचिकर महसूस नहीं होता है, लेकिन यहूदी धर्म में
लेवी ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु यदि हम इस ग्रंथ का गहराई से अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि इस ग्रंथ के बिना संपूर्ण बाइबल अधूरा सा प्रतीत होगा, क्योंकि सिर्फ इसी ग्रंथ में हम पड़ोसी प्रेम से संबंधित नियमों एवं आज्ञाओं को पाते हैं। साथ ही साथ प्रायश्चित दिवस और जयंती वर्ष का वर्णन इसी ग्रंथ में पाया जाता है। लेवी ग्रंथ मुख्य रूप से दो बातों पर ज्यादा ध्यान देता है। पहला, याजकों द्वारा उचित रीति से नियमों का अनुष्ठान करना, और दूसरा, प्रदत्त नियमों के अनुसार लोगों को ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप शिक्षा देना। इस ग्रंथ का संदेश धर्मशास्त्रीय विचारधारा को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रंथ उन मूलभूत मुद्दों की चर्चा करता है जो कि ईश्वरीय प्रजा को उस पवित्र ईश्वर से संबंध बनाए रखने में मदद करते हैं। इस ग्रंथ में हम कुछ महत्वपूर्ण इस शास्त्रीय विषयों को पाते हैं, जैसे कि पवित्रता, ईश्वरीय उपस्थिति, विधान, बलिदान इत्यादि। लेवी ग्रंथ में बलिदान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, विशेषकर ईश्वर व प्रार्थी के बीच संबंध को बनाए रखना ही इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। आज के पहले पाठ के इस अंश में चर्म रोग के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि यह बीमारी संक्रामक के साथ साथ फैलने वाला बीमारी भी है। इसलिए ऐसे रोगी के लिए विशेष नियमों का प्रतिपादन किया गया है, और आज के सुसमाचार पाठ के इस अंश में प्रभु येसु एक कुष्ठ रोगी को चंगाई प्रदान करते हैं। प्यारे मसीह विश्वासियों, व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था बेचैन रहता था, क्योंकि उसे समाज से निष्कासित एवं अछूत समझा जाता था। ऐसे व्यक्ति का ना तो कोई उसका स्पर्श कर सकता था और ना ही उसके घावों को धोकर मरहम पट्टी या दवाई लगा सकता था। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति दूसरों की सहानुभूति और प्यार से वंचित हो जाते थे। ऐसे व्यक्तियों को गांव एवं शहर से बाहर रहना पड़ता था। यदि उन्हें कहीं जाना होता था या उनके सामने से कोई आते हुए दिखाई दे तो उस कोढ़ग्रस्त व्यक्ति को अशुद्ध अशुद्ध कहकर चिल्लाने का आदेश था, ताकि उसकी आवाज़ को सुनकर कोई भी उसके नज़दीक ना आए। यदि हम इनके जीवन पर गहराई से अध्ययन करें तो सचमुच उनका जीवन दुर्भाग्य से भरा हुआ था। इनकी दशा अत्यंत ही दयनीय होती थी, लेकिन आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि उस कुष्ठ रोगी व्यक्ति ने सभी प्रतिबंधों को तोड़ते हुए येसु के पास आया और घुटने टेक कर प्रभु से अनुनय विनय करने लगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोढ़ग्रस्त व्यक्ति किसी से मिलजुल नहीं सकता था, फिर भी उस व्यक्ति ने नियमों का उल्लंघन करते हुए येसु के पास आया। येसु भी नियमों को अच्छी तरह से जानते थे, अतः वे उस व्यक्ति को भीड़ में आने से मना कर सकते थे, लेकिन येसु के लिए दया ही सर्वोच्च नियम था। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि येसु कई बार विश्राम दिवस के नियम को तोड़कर दीन दुखियों पर दया की थी।
वह व्यक्ति जो बीमार था पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हुए कहा, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने उसे स्पर्श किया और वह चंगा हो गया। इस कार्य के द्वारा यीशु उसकी निराशा में अस्वीकृति एवं एकांकी जीवन से उबार कर उसे नवजीवन की ओर ले आते हैं। यह हमारे लिए प्रेरणाप्रद शिक्षा है। यीशु जिन्होंने कई तरह के अचरज कार्य किए, यहाँ तक कि शब्द मात्र से मुर्दों को जिलाया, अगर वे चाहते तो शब्द मात्र से कोढ़ी को भी चंगा कर सकते थे, लेकिन वे एक कोढ़ी की भांति दीन बनकर उसे स्पर्श करके चंगा किया। प्यारे मसीह विश्वासियों, सुसमाचार के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि यीशु द्वारा चंगाई प्राप्त करने के पश्चात कोढ़ी ने जो कोई भी उससे मिला उनके साथ उसने अपनी खुशी एवं आनंद को प्रकट किया। अतः जब हम यीशु की चंगाई का अनुभव करते हैं तो उससे प्राप्त आनंद एवं खुशी को अपने आप तक सीमित न रखें बल्कि दूसरों के साथ भी बांटें। एक ख्रिस्तीय होने के नाते हम अपने दैनिक जीवन में यीशु का अनुभव करने तथा संसार में उनको घोषित करने के लिए बुलाए गए हैं। अतः आज का सुसमाचार पाठ हमारे लिए ईश्वर के आकथनीय प्रेम को दिखाता है, जो वस्तुतः ख्रिस्त में दिखाई देता है। उन्होंने हमें अपने जीवन के द्वारा यह दिखलाया कि दूसरों का प्रेम किस प्रकार किसी भी बाधा को पार कर सकता है जो हमारा पूर्ण समर्पण चाहता है। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें आशीष दे ताकि हम जो भी करें सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। आमीन।